धर्म से दुखी होकर मैं बौद्ध धर्म में पहुंच गया और यही अपनाऊंगा, इसमें समानता का अधिकार होता है। राजस्थान के बारां जिले में सवर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को बैथली नदी में विसर्जित कर दिया। इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि 15 दिन पहले माँ दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित समुदाय के दो युवकों के साथ मारपीट की थी। आरती करने के लिए गया तो मैं वहाँ से जाति पाति का भेदभाव उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद मेरे को दशहरे के दिन शाम को रात की 9 बजे के साथ धोखाधड़ी के साथ सरपंच लोगों ने मिलकर और उनके साथी लालचंद और राहुल शर्मा ने लपक के जानलेवा हमला किया हम पे। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भुलोन गांव का है। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को दलित समुदाय के युवकों राजेंद्र और रामहेत एरवाल ने माँ दुर्गा की आरती का आयोजन किया था। इन युवकों से राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने मारपीट की थी। इन लोगों का आरोप है कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। शुक्रवार को गांव में आक्रोश रैली निकाली, इसके बाद देवी देवताओं की प्रतिमाओं तस्वीरों को नदी में विसर्जन किया। इन लोगों का आरोप है कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। शुक्रवार को गांव में आक्रोश रैली निकाली गई, इसके बाद देवी देवताओं की प्रतिमाओं तस्वीरों को नदी में विसर्जित किया गया। वहीं बाल मुकुंद बैरवा ने चेतावनी दी कि अगर मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो छबड़ा SDM ऑफिस पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था ठप होने और दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ने के आरोप लगाए। इस दौरान रमेश मेराठा, बद्रीलाल बैरवा, चीतरलाल बैरवा, पवन, रामहित बैरवा, महेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। DSP पूजा नागर ने बताया कि पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें सरपंच प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।